रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के सम सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप अपना जो सम सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म है उसे ऑनलाइन किस तरह से फिल कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करना है, और इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन। इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि पिछले सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरह से। उसके बाद नीचे इंटर नेम में आपको अपना फादर नेम या फिर जो मदर नेम है वो इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है कुछ इस तरह से लॉगिन होकर ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको बीच में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के जो सम सेमेस्टर फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। LLB और BA LLB, LLM, BBA, BCA, BLib, MLib, MSW, PGDCA, BCom वित्त, वित्तीय सेवा, यहाँ के जो सम सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म 2022 हैं। इसके अलावा भी VSC कृषि 8 सेमेस्टर यानी कि जो अष्टम सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, ठीक है। इन सभी के संस्थागत भूतपूर्व वैक परीक्षा सुधार एवं छोटी प्रयोगात्मक परीक्षा तथा इसके अलावा MBBS तृतीय प्रोफेशनल भाग 1 एवं 2 पूरक परीक्षा 2022 के फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप जिस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जिस कोर्स के एग्जाम फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, उसे इस तरह से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाते हैं। यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, ये माइनॉरिटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल की हुई आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ चेंज करना है उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। अभी आपने जो पिछले सेमेस्टर में एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना होगी, इसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी ये BA LLB सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म है, तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन BA LLB की फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगी। इसी तरह से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको MGPRU सिलेक्ट कर लेना है। अभी आप सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, या फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, तो इस तरह से आपका जो पिछला सेमेस्टर है, ठीक है, वो इसी कॉलेज में हुआ होगा, तो आपको इसी कॉलेज का जो नेम है यहाँ पर लिख देना है। ये जो कॉलेज नेम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलेज को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और पुराना वाला अगर कॉलेज, जैसे कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपका ये वाला कॉलेज और नीचे जो कॉलेज लिखा हुआ है ये दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो नीचे यहाँ पर ही कॉलेज लिखा हुआ है, स्कूल कॉलेज नेम, ये चेंज होगा, और ऊपर जो कॉलेज का नेम है ये वाला, ये दोनों चेंज होंगे, ठीक है। तो आपको इस वाले कॉलेज को और इस वाले कॉलेज को बिल्कुल सेम कर देना है, दोनों जगह एक ही कॉलेज नेम लिखना है, यानी कि जो ऊपर है वही कॉलेज नेम यहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप 2022 को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको डिटेल फिल करना है, इस प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड। तो अभी आपके एग्जाम हुए होंगे, आपने एग्जाम दिए होंगे, उसका रिजल्ट आया होगा, तो यहां पर इस ऑप्शन को नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहां पर आपको अपना पिछले सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आपके लिखेंगे। पिछले सेमेस्टर अभी जो आप पास करके आए हैं वो रिजल्ट आपका टोटल कितने नंबरों का होता है वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और पिछले सेमेस्टर में आपको कितने नंबर मिले हैं वो नंबर आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड में लिख देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके रिजल्ट में इनरोलमेंट नंबर शो हो रहा है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ये इंटरनेट वाला रिजल्ट देख पा रहे होंगे, ये VLLB का ही रिजल्ट है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इनरोलमेंट नंबर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको पता भी नहीं होगा इनरोलमेंट नंबर, लेकिन अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरह से अपना इनरोलमेंट नंबर पता चल चुका है, ठीक है, तो आप इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कॉलेज से पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से पता चल जाता है तो आपको यहाँ इज इनरोलमेंट, ठीक है, इस पर इस तरह से टिक लगा देना है और अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। इनरोलमेंट वैसे लिखना यहाँ पर कंपलसरी होता है, लेकिन अभी यहाँ पर टिक लगाने के लिए आ रहा है, तो अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो लिख दीजिए, इससे फ़ायदा होता है, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
और अगर इनरोलमेंट नंबर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को तभी फिल करें जब कॉलेज वाले आपको परमिशन दे दें कि आप विदाउट इनरोलमेंट के फॉर्म फिल कर दीजिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ हो सकती है। इसलिए आप इनरोलमेंट नंबर कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करें, ठीक है। अभी हम यहाँ से टिक हटा देते हैं फिलहाल, और उसके बाद अगर आपके पास माइग्रेशन है तो इस पर टिक लगाएंगे, अन्यथा इस पर टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यह 10th क्लास की मार्कशीट का रोल नंबर और जो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से जो एड्रेस डिटेल्स है ये फिल करने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करना है, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि पिछले सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म की डिटेल्स आती होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपकी सही होगी, तो इसे आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है आपका जो फोटो और जो सिग्नेचर, ये ऑटोमेटिक यानी कि ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बस आपको यहाँ से अपनी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट की जो कॉपी है वो स्कैन करके अपलोड करना होगी, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट की जो फोटो कॉपी है वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगी। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लास्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं, यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, आप देख सकते होंगे छात्रा का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कॉलेज का नेम, ठीक है, और कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर, प्राइवेट, तो ये सारे कोर्सेज रेगुलर होते हैं, जितने भी एग्जाम फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं सारे रेगुलर हैं। बाकी यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर या जिस सेमेस्टर का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, एट हो गया या फिर 10 हो गया, ये सारे सेमेस्टर जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके यहाँ पर पेपर आ जाएंगे। पेपर आप चेक कर लीजिए कौन कौन से पेपर हैं, पेपर बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको वेरीफाई पेपर्स पर आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होगी उसे आपको ऑनलाइन पे करना होगी। फीस पे करने के बाद एक PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी आपके एग्ज़ाम फॉर्म की। उस एग्ज़ाम फॉर्म की PDF फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट निकालने के बाद आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में ले जाकर या उस डिपार्टमेंट में ले जाकर उस फॉर्म का आप प्रिंट आउट को आपको जमा कर देना है। फॉर्म फिल करने की जो अभी लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर तक रखी गई है, तो 10 अक्टूबर तक आप अपना जो फॉर्म फिल करके उसे 11 अक्टूबर तक अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट में ले जाकर जमा कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है तो अपने कॉलेज में जरूर कॉन्टैक्ट करें। अगर सबमिट नहीं हो पा रहा है इस समय, जिस समय इस वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज है 28 सितंबर, ठीक है, तो अगर 28 सितंबर में आप देख रहे हैं, ठीक है, या 29 में आप देख रहे हैं, तो अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो ये अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और बहुत जल्दी आपके जो फॉर्म है वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फीस सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप आसानी से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।